हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रहने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जो 17 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश में पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपेयर होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किन किन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में किन किन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आपने इस एग्ज़ाम पर अप्लाई किया था और विभाग की ओर से आपको आपके एग्ज़ाम से पहले यदि किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है तो आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए क्या करना होगा। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यदि आप पहली बार इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो। तो देखिए, पूरी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हिमाचल प्रदेश में 17 नवंबर 2019 को सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट ने पटवारी की विभिन्न वैकेंसियों को भरने के लिए अप्लाई किया था उन सभी का एडमिट कार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है और सभी कैंडिडेट को उनका एडमिट कार्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से डाक के माध्यम से सेंड किया गया है। इसके अलावा देखिए, कई कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। और देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करने के कई कारण हैं, जैसे कि कई कैंडिडेट अंडर एज है जबकि कई कैंडिडेट ओवर एज हैं। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया था उन सभी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। और देखिए, अब जान लेते हैं कि यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किन किन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टाइप करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। और देखिए, आप टाइप करिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल, यदि आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो देखिए, आपको टाइप करना है मंडी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। इसी प्रकार से यदि आप किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको सेम वहाँ पर सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। तो देखिए, उसके बाद आपको क्लिक करना है डिस्ट्रिक्ट मंडी छोटी काशी मंडी इंडिया पर। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको क्लिक करना है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर पटवार ट्रेनिंग इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉल एंड सेटलमेंट 2019 पर। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आप देख सकते हो कि किन किन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। उसके लिए देखिए, आपको क्लिक करना है यहां पर लिस्ट ऑफ ऑल रिजेक्टेड कैंडिडेट। और देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद फुल पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप यहां से चेक कर सकते हो कि किन किन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस कारणवश रिजेक्ट किए गए हैं। तो देखिए, यहां पर कई कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एज की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं जबकि कई कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म ओवर एज की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी विभाग की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। और देखिए, यदि किसी कारणवश किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुई है तो उन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म भी विभाग की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। और देखिए, आप इस पीडीएफ से चेक कर सकते हो सभी कैंडिडेट के नाम जिनके एप्लीकेशन फॉर्म विभाग की ओर से रिजेक्ट किए गए हैं। तो देखिए, यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है यदि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। देखिए, इसी प्रकार से आप यहां से चेक कर सकते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में किन किन कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। और देखिए, यहां पर तहसील वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट के नेम के पीडीएफ का लिंक दिया गया है और आप जिस भी तहसील से बिलोंग करते हो आपको उस तहसील के नाम पर क्लिक करना होगा। और नाम पर क्लिक करने के बाद अपनी तहसील में एक्सेप्टेड कैंडिडेट का फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जिनका एप्लीकेशन फॉर्म विभाग की ओर से एक्सेप्ट किया गया है। और देखिए, इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है कि किस कैंडिडेट का रोल नंबर कितना है और उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखा गया। देखिए, अब जान लेते हैं कि यदि विभाग की ओर से आपको आपका एडमिट कार्ड सेंड किया गया था लेकिन किसी कारणवश आपको आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको एग्जाम में अपेयर होने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं विभाग की ओर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं किया गया है। इसके लिए आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट चेक करनी होगी। तो देखिए, यदि आपका नाम रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं है तो आपको चेक करना है कि आपकी तहसील में जिन जिन कैंडिडेट को एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सिलेक्ट किया गया है उसमें आपका क्या रोल नंबर रखा गया है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखा गया है।
तो देखिए इसके लिए सिंपली आप अपनी तहसील के नाम पर क्लिक कर सकते हो, और अपनी तहसील के नाम पर क्लिक करने के बाद आप अपनी तहसील का PDF डाउनलोड कर सकते हो, और उस PDF से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा रोल नंबर दिया गया है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखा गया है। इसी प्रकार से यदि आप किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो देखिए आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और आपको अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा, और देखिए वहाँ पर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट के PDF का लिंक दिया गया है। देखिए यदि आपका नाम एक्सेप्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है और विभाग की ओर से आपको रोल नंबर जारी किया गया है, परीक्षा केंद्र जारी किया गया है, तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। और देखिए एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड के लिए आपको एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालना है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, और देखिए इस एडमिट कार्ड के साइड में जो फोटो लगाने के लिए कॉलम दिया गया है वहाँ पर अपना फोटो लगाएं, और उस परीक्षा केंद्र में आपको जाना होगा जो कि विभाग की ओर से आपको आवंटित किया गया है, और देखिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ साथ लाना ना भूलें, और आपके परीक्षा केंद्र में ही आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। देखिए यदि आप अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में ही जारी करने वाले हो, इसके लिए आपको समय से पहले परीक्षा केंद्र में आना होगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और यदि हम इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, इसके अलावा अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ लाएं, और देखिए उस आइडेंटिटी प्रूफ पर आपका फोटो होना जरूरी है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी उन कैंडिडेट के लिए जो 17 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश में होने वाले पटवारी के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।